हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, वो डेट आईआरसीसी वालों ने अनाउंस कर दी है जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आपको पता होगा, याद होगा, हमने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी आप लोगों के साथ, सारी चीजें हमने शेयर की थी। तो उस टाइम पे भाई एक पॉलिसी और अपडेट इन्होंने दी थी कि जी अगर आपका मास्टर्स का प्रोग्राम, आप स्टडी करने आते हो, मास्टर्स करने आते हो कनाडा में, इवन इफ आपका वो जो कोर्स है वो 2 साल का नहीं है ना, तब भी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है जी, आपके याद होगा भाई बहुत सारे लोगों ने इस पे बोला था कि हाँ जी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला था भाई कि इस पर्टिकुलर डेट से ये चीज मेंशन, ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो वो डेट इन्होंने अनाउंस कर दी है भाई, डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है भाई। साथ के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए इन्होंने बोला है कि भाई सिर्फ मास्टर्स डॉक्टर प्रोग्राम वाले जो होंगे वही अपने पार्टनर्स को यहां बुला सकेंगे, दूसरे नहीं बुला सकेंगे। तो भाई वो डेट अभी भी पेंडिंग है कि वो चीज कब से इंप्लीमेंट होगी, कब से इफेक्टिव होगी, तो वो डेट अभी भी हमारे पास नहीं आई है। तो भाई जो लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है वो चीजें, ये हो गया, मैं दोबारा भाई इस वीडियो में बता रहा हूं कि भाई अभी वो डेट नहीं आई है। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही है वो, जब डेट आएगी तब आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे। आईआरसीसी वाले जब हम बताएंगे, मैं भी इस चैनल पे डाल दूंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ भाई जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है भाई। हाँ, ये होना जरूर है, लेकिन वो कब से होगा ये देखना भाई सबके लिए एक हमारे लिए एक बेसब्री, लाइक कहते हैं ना कि भाई हम इंतजार कर रहे हैं कि वो डेट कब आएगी जी। बट हाँ, एज ऑफ नाउ उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट की है कब से वो इफेक्टिव होगी वो चीज, ये उन्होंने अभी तक नहीं बताई है। चलो भाई, कमिंग बैक टू टुडेस टॉपिक का, बात आती है जी वर्क परमिट को लेके। मेजर चेंजेस इन्होंने किए हैं भाई मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, कि अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम नहीं भी है ना, तब भी अगर आप मास्टर्स कर रहे हो कनाडा में, आप भाई 3 साल के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। ये चीज उन्होंने बोली है, वो चीज इफेक्टिव होगी भाई 15 फरवरी 2024 से, इफेक्टिव फ्रॉम 15 फरवरी 2024। तो भाई ये चीज निकल के आ गई है जी कि भाई 15 फरवरी 2024 से वो चीज इंप्लीमेंट होनी है। ठीक है जी, तो भाई बहुत सारे लोगों को लगा कि तब से भाई इंप्लीमेंट हो गई है, ये होगा वो होगा, भाई ऐसे नहीं होता। तो भाई 15 फरवरी 2024 से भाई ये चीज इंप्लीमेंट उन्होंने बोल दिया, इफेक्टिव फ्रॉम 15 फरवरी 2024। ठीक है जी, तो भाई जिनका भी प्रोग्राम मास्टर्स प्रोग्राम भाई 2 साल से कम का भी है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, आप 3 साल के लिए वर्क परमिट ले सकते हो। तो उन्होंने ये बोला भी मास्टर्स वालों के पास अच्छी खासी स्किल सेट होती है, तो वो जो कहना की जो लेबर मार्केट है या स्किल ट्रेड मार्केट है भाई, उसको अच्छे से वो फुलफिल कर पाएंगे, नीड्स को अच्छे से, मार्केट की नीड्स को अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे, और ट्रांजिशन जो होता है ना भाई पीआर के लिए वो भी काफी स्मूथ हो जाएगा। ऑब्वियसली भाई टाइम होगा तो चांसेस अच्छे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती हैं, तो फायदा तो होगा। 3 साल से कम का वर्क परमिट मुझे लगता है भाई कहीं ना कहीं एक टेंशन वाला चीज रहती है हमेशा ही कि भाई 1 साल तो ऐसे खत्म हो जाता है ना, तो दिक्कत तो देखो होती है। तो अच्छी बात है कि भाई ये 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, उनको बहुत फायदा होगा इस चीज को लेके, अपॉर्चुनिटी वाइज भी, करियर वाइज भी, और पीआर वाइज भी, और कनाडा को तो फायदा ही होगा ही होगा, क्योंकि मास्टर्स वाले का ही कहीं ना कहीं स्किल सेट उनका बेटर होता है, और कनाडा को अच्छे बंदे ही चाहिए यहाँ पे, होने भी चाहिए भाई डेफिनेटली, है ना। कनाडा को सोचना भी चाहिए इन चीजों के बारे में, और कनाडा सोचने लग गया भाई, वो टाइम गया जब पहले बहुत सारी उन्होंने पीआर ऐसी बांट दी, विजिटर वीजा ऐसी बांट दिया, टेम्परेरी रेजिडेंट्स, बहुत सारी चीजें हुई थी, बट अभी स्ट्रिक्टनेस आ रही है भाई धीरे धीरे। तो और ऐसे अपडेट्स के लिए भाई नैव सिंह संगेर का चैनल फॉलो करते रहिए आप, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना वीडियोस को, और मैंने ये अपडेट देनी थी आपको, मैंने बता दिया भाई। बाकी अलसो नेक्स्ट टाइम विदा टॉपिक एंड डिस्कशन, स्टे का अपना ध्यान रखना भाई, 15 फरवरी से ये चीज इंप्लीमेंट हो गई है। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।